Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। शेयर बाजार की आज शांत ओपनिंग रही है और सेंसेक्स की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ हुई है। इसके अलावा एनएसई का निफ्टी सपाट ओपनिंग के साथ ही दिखाई दी है। मीडिया, मेटल, रियल्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है। 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का निर्णय किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाके के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हिंसा भड़क उठी थी। हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार, चीफ सेक्रेटरी राधा रतुड़ी, एडीजी प्रशासन एके अंशुमन को हल्द्वानी जाने को निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। 10 कंपनी पैरामिलिट्री की लगाई गई है, साथ ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी हिंसा पर कहा कि दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हुई घटना के संबंध में शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। एनडीए के घटक दल सपा प्रमुख ओपी राजभर ने दावा किया है कि जयंत चौधरी 12 फरवरी को एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि जयंत 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बाबा सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आज डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का कहना है कि बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी की शाम को एनसीपी में शामिल होंगे। शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर को फेसबुक लाइव के दौरान मॉरिस नोरोना ने गोली मार दी। बाद में खुद को गोली मार कर मॉरिस नोरोना ने भी आत्महत्या कर ली। घोसालकर को बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर LIC कॉलोनी के करुणा अस्पताल में ले जाया गया, जहां गोली लगने के तुरंत बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के दहिसर गोलीकांड मामले में पुलिस ने मेहुल नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच के DCP राजतिलक रोशन का कहना है कि MHP पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में गोलीबार की यह घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और आगे की जांच क्राइम ब्रांच की ओर से की जा रही है। दहिसर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की ओर से 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। एक FIR शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के लिए और दूसरी ADR एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट मॉरिस नोरोना की आत्महत्या का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी BJP के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि पंकजा मुंडे को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकित करना है या लोकसभा चुनाव का टिकट देना है या फिर पार्टी में कोई पद देना है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। यह राज ठाकरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे एनडीए में आ सकते हैं। BJP ने राज ठाकरे को निमंत्रण देकर दिल्ली बुलाया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनकी भाई शोविक और उनके पिता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल CBI ने इन तीनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। लुकआउट नोटिस के खिलाफ तीनों ने मुंबई हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे। इस फिल्म के जरिए शाहिद और कृति पहली बार एक साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का काफी प्यार मिला था, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। Sony TV के मशहूर सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में पार्वती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी जल्द अपना कमबैक करने वाली है। विघ्नहर्ता गणेश के बाद आकांक्षा ने 2 रियलिटी शो में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन अब टीवी की ये पार्वती अपने बोल्ड अंदाज के साथ जियो सिनेमा पर एक नया रियलिटी शो होस्ट करते हुए नजर आएंगी।
दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक का पिछले साल 9 मार्च को निधन हो गया था। अब उनकी आखिरी प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसे अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। उदय सहारन की कप्तानी में पहले ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 9वीं बार पहुंचा है। अब दूसरे सेमीफाइनल के नतीजे से साफ हो गया है कि फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम भिड़ेगी। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबिज न्यूज। नमस्कार।